10:30 हो गए क्या? 10:30 हो गए। टाइम कितना हुआ है? 10:30। Can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. साइड पर ताजमहल जो है आपको लेके चलते हैं ताजमहल की तरफ। वो हमारे पीछे गेट रहा जहाँ से हम आए, तो ये सामने सामने ताजमहल है। तो आप भी आए ज़रूर। टिकट आप या तो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप ज़्यादा से या फिर आप यहाँ आके, लेकिन बाहर आप किसी से टिकट ना लें, ठीक है? हाँ, आपको लोग जो हैं बाहर बहुत सारे मिलेंगे, टिकट ले, टिकट लो, तो वो चीज़ आप नहीं करिएगा। तो आप जो हैं टिकट आके या तो अंदर काउंटर पर लें, क्यू में खड़े रहें। अभी हम सुबह के टाइम आए तो इतना ज़्यादा रश नहीं था यहाँ, नहीं तो लंबे लंबे क्यू में खड़े रहना पड़ता है। तो अभी जो है लोगों का रश बढ़ रहा है, तो वहाँ क्यू भी बढ़ जाते हैं, फिर लाइन में लोग भी बढ़ जाते हैं। अब इसने जो है चारों तरफ जो है इसके और भी मकबरे बने हैं, देखें साइड, तो ऐसे ही साइड भी एक है यहाँ पर। तो ताजमहल को बीचों बीच रखा हुआ है।
लेने पड़ेंगे ठीक है। तो ये आपको पैरों में बता रहे हैं, शूज के ऊपर आप लगा सकते हैं, फिर जाके आप अंदर जो है देख सकते हैं। हमने धो ले लिया, यहाँ हम ताजमहल तक जो है ऊपर आ गए इधर से। तो फिर अब जो है अपने ताजमहल के अंदर जाने के यहाँ से आपको और एक टिकट लेनी पड़ेगी ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है इसके साथ ही मॉस्क मस्जिद है, यहाँ पर दोनों साइड से इसकी मस्जिद बनाई गई है। तो ये तो अभी तो फिलहाल अगर हम टिकट लें तो फिर ऊपर जाने, अंदर तो फिर अगर अंदर जाने देते तो फिर ठीक था, पर ताजमहल के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ताजमहल का जो आसपास जो इसका कंपाउंड बना हुआ है फिर चारों तरफ वो देख सकते हैं, तो वो देखने का फ़ायदा ना, वो हम वैसे भी यहाँ पर ही है। तो अगर ताजमहल के अंदर जाने देते तो फिर यहाँ पर हमने टिकट नहीं लिए इस कारण। तो ताजमहल के बैक साइड पे यमुना रिवर है, तो यमुना रिवर आपको दिखाएंगे। तो ये है यमुना नदी, बिल्कुल ताजमहल जो है इसके बैक साइड किनारे पर बना हुआ है। तो वहाँ से वो लाल किला उधर जहाँ पर हम पहले गए थे, एक अंदर नहीं गए हम इसकी मस्जिद के ऊपर, एक मस्जिद साइड गाइज़। हमारा जो आज का ब्लॉग है यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा जो है लास्ट डेस्टिनेशन है, हमने आपको सारा कुछ दिखाया जो भी आसपास का जितना भी एरिया है ताजमहल। तो बट एक चीज़ हम आपको दिखा नहीं पाए, हम ताजमहल के ऊपर जाना था, लेकिन अगर ताजमहल के अंदर की एंट्री होती तो फिर हम ज़रूर आपको अंदर लेके चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल ताजमहल के अंदर जाने नहीं देते। खाली जो कंपाउंड एरिया है उसमें आपको टिकट लगती है। तो मेरे ख्याल से मैंने सोचा कि टिकट लेने सही नहीं होगा, तो इसलिए जो है ये जो ताजमहल का ब्लॉग है इसके साथ ही हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी, हमारा ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होगा।
तो जो हमारे वीडियोज़ हैं अभी तक सारे आपके साथ हम जल्दी शेयर करेंगे, तो मिलेंगे आपसे जल्दी ज़रूर।